हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे और सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान चल रहा है, सो ईद की प्रेप्स के लिए मैं आपको स्किन के लिए रेडी करना चाहती हूँ कि ईद से पहले पहले जो है ना आपकी स्किन जो है वो रेडी हो जाए। ओपन पोर्स का इशू है या स्किन ग्लो करे, आप कहते हैं बेस आपकी जो है वो अच्छे से आपकी ठहर जाए ईद पर, तो उसके लिए आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी पहले से जी। अब 10-15 दिन ही और बल्कि उससे भी ज़्यादा कम डेज जो है वो ईद में रह गए हैं, तो उसके लिए जो है ना मैं आपको एक मास्क बताऊंगी जो आपने अप्लाई करना है। और इससे ये होगा कि हमारी जो स्किन में जो ना स्किन शाइन करेगी, स्किन ग्लो करेगी, जैसे कि समर हमारा चल रहा है और समर का जो है ना हमारा मौसम बहुत ज़्यादा हमारे जो है स्किन पे ऑयल आने लग जाता है, स्किन की बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम हो जाती है, बेस होती है तो बेस फटने लग जाती है। सब लोग कहते हैं हमारी बेस जो है वो फट रही है लगाने से। कोई भी इश्यूज जो होते हैं ना वो हमारे तब तक होते हैं जब तक हमारी जो स्किन जो है ना वो प्रेप नहीं होती। हमारे प्रेप का मतलब स्किन हमारी तैयार नहीं होती, जैसे कि हम हर चीज़ के लिए ध्यान से पहले अपना चेक करते हैं ना कि हमें उसकी तैयारी करनी है। तो हमें ईद से पहले, हमें ईद का मेकअप करने से पहले या कोई भी आपको फंक्शन हो तो वैसे भी हमें अपनी डेली रूटीन में भी अपनी जो है ना स्किन का जो है वो तैयार रखना चाहिए कहीं भी जाने से पहले। सो ये जो है अगर आप डेली लगा सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप डेली नहीं यूज़ कर सकते तो नो इशू, आप वंस अ वीक नहीं यानी कि एक दिन छोड़ के आप लगा सकते हैं, तो तभी इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आपको मिलेंगे। जब आपकी स्किन इसकी यूज टू हो जाएगी ना तो फिर बेशक हफ्ते में दो बार भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में है तो आपको ये ज़्यादा अप्लाई करनी होगी, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो। और मैं तो कहूँगी कि आप डेली इसको अप्लाई करें, ठीक है। मैंने ये 3-4 दिन यूज़ की है और मेरी स्किन के जो है ना आप खुद देखेंगे स्किन काफ़ी ज़्यादा नीट हो गई है, वरना जो है ना टिंट हो गया था, हाइड्रेटेड हो जाती है स्किन गर्मियों में, तो वो सब इश्यूज़ जो था ना मेरे स्किन के साथ चल रहे थे। सो इसके यूज़ करने के बाद जो है ना मेरी स्किन मच बेटर हो गई है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। आज मेरा 4th डे होगा जो मैं आपको इसके साथ आपको अप्लाई करूँगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ आपको अप्लाई करने का कह दूँ जो आपकी स्किन पे इफेक्ट करे और आपको बाद में प्रॉब्लम हो, तो ट्राई एंड टेस्टेड होती है वो चीज़ें, तो ये जो आपको इतने कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। ये चीज़ें जो आपको घर में अवेलेबल होंगी, चीज़ें आपको इजीली इसका सारा सामान आपको मिल जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले योगर्ट ऐड करूँगी, योगर्ट, सेकंड हमारा बेसन होगा, दूसरी हमारी हल्दी होगी। आपको पता है योगर्ट जो है वो है एंटीबायोटिक है, और ये जो है इसमें हमारे एंटीबैक्टीरियल एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन में है, एक्ने दूर करते हैं, जो हमारी डलनेस है, इवन के हमारा जो डबल टोन हो जाती है ना एरिया, स्किन टोन हो जाती है, डबल टोन हो जाती है, जैसे फोरहेड में हो जाता है, चिन में या नोज में आ जाता है, ये उसको भी जो है इक्वल करती है। हल्दी जो है उसका भी यही है, ये हमारे एक तरह का उपटन भी बन सकता है, होममेड, इसको एक तरह का उपटन भी कह सकते हैं, लेकिन उपटन में हम अगर मैदा और ऐड करते हैं तो वो वैसे तरह का बन जाता है, लेकिन जो है ना इसकी जो जो दही है ये भी आपके जो है डार्क स्पॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं, इसको ये जो है झाइयाँ डार्क स्पॉट इसको जो है रिड्यूस करेगा। और बेसन तो आप को पता ही है, हम इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ज़बरदस्त सा जो मास्क है मैं आपको वो बताती हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है, कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना, मैं आपको सबसे पहले इसको लगाने का तरीका, इसको बनाने का तरीका और फिर इसको लगाने का तरीका भी बताती हूँ। चलें जी देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जो है ये 1 टेबलस्पून मैंने योगर्ट ऐड, ये सॉरी बेसन है, ठीक है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है भर के वो मैं योगर्ट के ऐड करूँगी। ये इतना ऐड करना है, आई थिंक हमें ज़्यादा यूज़ करेगा कि ये एक पेस्ट ही बन जाए, ठीक है। और इसमें मैं जो है इसमें ये हल्दी ऐड करूँगी, ये 2 से 3 पिंच आप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसका लेप बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो ये मैंने जो है इसको मिक्स करके इसको जो है ये बना लिया है पेस्ट सा, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें जो हैं वो यकजन हो जाएंगी। देखिए एक पेस्ट ही बन गई है, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई करने से पहले जो है वो अपने फेस पर ये हेयर कैचर है ये मैं इसको लगा लेती हूँ ताकि मेरे जो है बाल वो अच्छे से लग जाएं। ऐसे ये समर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी जो है ना बाल वो एक अच्छी सी लुक आ जाती है, बाल भी खुल जाते हैं और एक फ्लफ़ी सी लुक भी आ जाती है। ये देखें, ये मैं आपको समर के हैक्स में ज़रूर इसका आपको बताऊंगी, समर हेयर स्टाइल भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपकी जो है ईद के लिए अच्छी से इसकी तैयारी भी हो जाए, ठीक है। अब ये जो है ये मेरा पेस्ट रेडी हो गया, देखिए इस तरह का ये बन जाएगा। चलें इसको ज़रा हाथ पर लेके थोड़ा थोड़ा लेके हम इसको इसी से ही ना पहले हम थोड़ा सा मसाज करेंगे, ठीक है, इस तरह से
हम इसको मसाज करेंगे, आप इसको इसको आप मैं आप मेल भी यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लेडीज़ के फेस पर जो है ना इसका इफेक्ट जल्दी आ जाएगा, जबकि बॉयज़ के फेस पर ज़रा इसके जो है ना इफेक्ट लेट आएगा, क्योंकि उनकी स्किन ज़रा हार्ड होती है इस वजह से। और तो कोई मसला नहीं है, हम इसको हम जो है ना 4 से 5 मिनट में इसका मसाज करूँगी। ये देखें, इसको मसाज करने से ये होगा कि हमारी स्किन जो है ना इतनी फ्रेश हो जाएगी। और एक मास्क कहते हैं ना, एक मास्क करने से पहले, मास्क लगाने से पहले आपको स्किन जो है प्रेप करनी होती है, मसाजिंग करनी होती है। तो ये कि जो है ना हमारा सारा इसका जो है इफेक्ट ये देगा, और बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट है, औसम रिजल्ट है। आपने जस्ट ये देखें, इस फिंगर टिप्स के साथ आपने इसको प्रेशर करते हुए, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए जो है ना आपने, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि फेस में बाद में पेन होने लग जाए, तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना मसाज करना है। और एंड में आपने ठंडे वाटर के साथ वॉश कर लेना, और यकीन करें मेरे फेस पे इतना ज़्यादा एकदम कूल इफेक्ट आया है, और एकदम जैसे वो एनर्जी सी आ गई है ना गर्मी की वजह से। तो इसका बहुत मुझे लगाते हुए भी अच्छा। और आपको पता है योगर्ट से हमारी स्किन, डल स्किन उतरती है, फ्रेश आती है स्किन। जितनी डल स्किन है, मेरी खुद भी बहुत ज़्यादा डल स्किन हो रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आपके लिए वैसी ही वीडियो लाऊं तो जो आपकी स्किन के ऊपर भी जो है इफेक्ट करे। तो मैंने 2 दिन पहले ही ये लगाना शुरू किया था, 2 से 3 दिन पहले। तो आज ये मैंने आपको दोबारा, मैंने कहा आपको क्यों ना दिखाया जाए। ये 2 से 3 दिन मसाज करें, ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, मसाज के स्टेप तो मैंने आपको बताए ही हैं, ठीक है। ये नोज पे एरिया इस तरह, आईज का एरिया लें, ताकि अंडर आई जो है यहाँ से भी ब्लैक और डल स्किन जो है अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अच्छा, मैं आपको प्रेशर पॉइंट का थोड़ा सा बता दूँगा, ड्राई होने लग जाए, क्योंकि गर्मियाँ ड्राई हो सकता है। वैसे मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है। ये देखें प्रेशर पॉइंट, आपको इस तरह प्रेशर पॉइंट देने, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ये देखें इस तरह फिंगर्स को रखें, और ये और लॉक कर दे इस तरह, ये लॉक कर दे। इस तरह फेस के यहाँ पे भी आप इस तरह कर सकते हैं। और ये यू आप चाहे इसको नेक पे अप्लाई करें, अपने हैंड्स पे अप्लाई करें, जहाँ आप चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप हाथों पे भी, मैं आपको इसका मसाज करके दिखाती हूँ, ठीक है। और इन द एंड जो है आपने इसको थोड़ा सा फेस पे, थोड़ी थिक फॉर्म में, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, इसको अपने फेस पे लगा के यूँ छोड़ दें, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बल्कि इसको आपने ये, इसको आपने जो है ना इतना ड्राई करना है कि थोड़ा सा गीला गीला हो, और थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है तो आपने इसको फिर फेस वॉश कर लेना है, इससे स्किन टाइट ना हो। ये देखें, ये झुर्रियाँ आने का भी डर होता है। ये इस तरह आपने जब भी मास्क लगाना है, इस तरह शेप में लगाना है, ये अपवर्ड अपवर्ड फोल्ड में, और हाथ से लगाएं, क्योंकि जो ब्रशेस वगैरह होते हैं ना, मुझे उस पर बिलीव नहीं है, मुझे बल्कि पिंपल्स का इश्यू हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, अपनी फिंगर टिप्स को इस्तेमाल करें, और इससे पहले अपना फेस क्लीन कर लें, फेस वॉश कर लें, और अपने हैंड्स को भी अच्छी तरह वॉश करके रखें, क्योंकि स्किन जो है ना फेस की बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो हमारे जो है ना जर्म्स वगैरह से हमारे पिंपल्स का इशू हो सकता है, और कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी हाइजीन की प्रॉपर केयर किया करें, और फिर इस तरह का कोई भी काम स्टार्ट किया करें, ठीक है। तो मैंने ना वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही अपने अच्छी तरह हाथ धो लिए थे, फेस वॉश कर लिया था, और फिर मैंने आपको दिखाया। ओके, तो ये मैं आपको ड्राई करके वॉश करके उसके बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ओके जी, ओके जी, सॉरी, ये हो गया, ड्राई होने वाला हो गया, ठीक है। अब मैं इसको वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने कहा आपको पता चल जाए ड्राई होने वाला हो जाएगा, तो देखिए किस तरह हो रहा है। सो वेलकम बैक। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना, मास्क लगाने के बाद फेस वॉश कर लिया, और देखें इसके इतने औसम रिजल्ट आए हैं। शायद आपको भी इसकी ग्लोनेस नज़र आ रही हो, मेरा वैसे फेस जो है ना बड़ी ऑयली है, तो मेरे ऑयली होने की वजह से ना मैं जब फेस वॉश करती हूँ तो मेरा सही तरह फेस वॉश नहीं होता, मुझे ऑयल ऑयल फील करती हूँ मैं। चाहे 2 टाइम्स वॉश कर लो, 3 टाइम वॉश कर लो, तो मुझे ऑयल, लेकिन जब मैंने इससे वॉश करने के बाद किया ना, तो मेरी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और ये जो ग्लो है ना, ये मेरा इसी मास्क की वजह से ग्लो आया है। देखिए सारा
बहुत अच्छा मुझे इसके इफेक्ट आए हैं, तो आप भी इसको क्रिएट कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपकी इससे बेस बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत अच्छा मेकअप होगा आपका ईद के ऊपर। तो अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।